मेडिकल अस्पताल से पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हुआ आरोपी पंकज कन्हैया उरकुड़े उम्र 20 साल को सोनेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर वर्धा जिले के सिंध रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया था। पश्चात सोनेगांव पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर नागपुर लाया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर द्वारा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार महाकाली नगर झोपड़पट्टी बेलतरोड़ी निवासी पंकज उरकुड़े के साथ ही प्रणय ठाकरे को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पंकज को प्रणय ठाकरे की निशानदेही पर सिंधी रेलवे थाना क्षेत्र के खड़की गांव के पास जंगल से ग्रामीणों ने पकड़ा और इसे सिंधी रेलवे पुलिस के हवाले किया था। पुलिस स्टेशन सोनेगांव या ठिकाने एक घरफोड़ी का एक गुना दाखिल था। वहाँ तपास में उसको 2 दिन PCR मिला था और उसके तरफ से जो गुने का मुद्देमाल गया था वो भी उसकी तरफ से जब्ती किया था। उसका नाम पंकज उरकुड़े था। उसके बाद में उसको दिनांक 11 तारीख को उल्टी का त्रास हो गया। उल्टी अपने स्टाफ यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गए थे। उसका उपचार होने के बाद में उसको गाड़ी में बिठाते समय वो धक्का मार के वहां से निकल गया था, वो भाग गया था। जैसे जानकारी मिली कि वो भाग गया तो नागपुर पुलिस के सब आला अधिकारी वहां स्पॉट पे पहुंचकर उसका सर्चिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद में उसके घर में उसके दोस्तों को साथ में सर्चिंग ऑपरेशन किया। लेकिन हमको ये जानकारी थी कि वो जो उसका साथीदार था प्रणय ठाकरे जो अक्यूज है उसके साथ उसको ही उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है उसको अगर पकड़ेंगे तो। हम दोनों तरफ से उसको सर्चिंग कर रहे थे। एक प्रणव ठाकरे भी उसमें फरार आरोपी था, वो भी हमको वांटेड था। उसके बाद में पंकज प्रणव ठाकरे वो मेवो में ऐसा है मिल गया, हमको मालूमात मिली। वहां हमारी टीम गई तो उसको हमने कैच किया। फिर उसको कैच करके उसको पुलिस स्टेशन में लाए, उसके पास में जानकारी ली और उसको पूछा कि वो कहाँ कहाँ भाग सकता है। तो उससे क्लू थोड़ा सा मिल गया हमको। तो वहां जैसे क्लू मिला कि वर्धा जिला खड़की है, उनका एक बैठने का वहां पर एक होटल ढाबा एक स्पॉट है, तो वो स्पॉट पे हमारी टीम तुरंत वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे टीम वहां पहुंच गई तो वहां उनको अंदेशा लग गया कि वो दूर से कि भाई मेरे पास पुलिस आई। वो तो सतर्कता पुलिस दिखती क्या वहां, ये बोल के आरोपी। तो वहां से जो खड़की नवर गांव है सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, वहां से वो भाग गया जंगल के अंदर में। जैसे वहां जंगल के अंदर भाग गया तो पूरा गांव बाजू में गांव था, गांव में हम अपनी पुलिस गई, उनको सचेत किया कि ऐसा ऐसा आक्यूज आए और हमारे पास का जो फोटो था वो गांव वाले के पास साथ में शेयर किया। उसके बाद में शेयर करने के बाद में सब गांव वाले सतर्क हो गए अपने अपने। उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो डाल दिया और वो आक्यूज सर्चिंग करने के लिए पूरे वहां पर चले गए। माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने हमको डायरेक्शन दिए, उनको भी बताया गया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी डायरेक्शन दिए। माननीय झोनवन सर वहां पे स्पॉट पे आए, उन्होंने भी डायरेक्शन दिए, वो भी जंगल में सर्चिंग करने के लिए आए। तो पूरी टीम रात भर वहां सर्चिंग कर रही थी। तो सवेरे फिर गांव वालों जो नवर गांव है खड़की गांव है उन लोगों को उधर जंगल में एक आदमी छुपने की खबर जैसे मिले तो उन्होंने उनको पकड़ा आरोपी को और सिंधी रेलवे पुलिस स्टेशन नजदीक का है उनका, तो वहां पर वो लेके गए थे। जैसे हमको पता, हमारी टीम भी वहां थी तो उनको भी पता लगा, वो पुलिस स्टेशन में गए और वहां से उनको कैच किया। सोनेगांव पुलिस के अनुसार आरोपी पंकज का जब सोनेगांव पुलिस और सिंधी रेलवे पुलिस ने संयुक्त रूप से खड़की गांव से पीछा किया तो वह पास के जंगल में छिप गया। काफी देर तलाशी अभियान के बाद जब वह नहीं मिला तब पुलिस ने आसपास के गांव के कुछ लोगों को मोबाइल पर उसकी तस्वीर भेजी। पंकज उरकुड़े गुरुवार को सुबह जंगल से बाहर आने पर कुछ ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया, उसे गांव के पाटिल के पास ले गए। पाटिल ने उसे सिंधी रेलवे पुलिस के हवाले किया। पश्चात आरोपी को सोनेगांव पुलिस के हवाले किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।